हाय एवरीवन, वेलकम टू ममपीडिया। आज मेरा वीडियो है ये दोनों क्रीम्स पे। ये दोनों क्रीम का रिव्यू मैं आज करने वाली हूँ और ये बेबी क्रीम्स है। तो इन दोनों बेबी क्रीम्स का रिव्यू हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर दो क्रीम है जो मैं अपनी बेबी पे शुरू से इस्तेमाल कर रही हूँ। एक है सिबामेट का बेबी क्रीम और एक है सिबामेट का प्रोटेक्टिव फेशियल क्रीम। तो एक एक करके दोनों क्रीम पर बात करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगी सिबामेट के बेबी क्रीम के बारे में। ये जो क्रीम है ये बहुत ही सॉफ्ट है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा सॉफ्ट। देखिए, मेरी बेटी 21 मंथ्स की है और 21 मंथ्स में मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया है और ये पीडियाट्रिशियन रिकमेंडेड भी है। मैं शुरू से उसके ऊपर ज़्यादातर सिबामेट का ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। तो ये जो है क्रीम, ये बहुत ही सॉफ्ट है और स्किन को बहुत सॉफ्ट करता है, बहुत नरिश करता है। और ये क्रीम आप जनरली अगर विंटर्स में यूज़ करें तो ये विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। समर में भी आप यूज़ करके बेबी को एसी में रख सकते हैं, मतलब थोड़ी देर एसी में रख के जब ये क्रीम अब्सॉर्ब हो जाएगा तब आप बेबी को बाहर ले जा सकते हैं। देखिए, इसमें पेंथेनॉल है, कैमोमाइल है और ये जो है इसका पीएच लेवल 5.5 है। ये आप बिल्कुल न्यूबॉर्न से बेबी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है बेस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट डे, ये बिल्कुल जेन्युइन और सही लिखा हुआ है। ये क्रीम आप फेस पे यूज़ करें, फेस के लिए ही ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। और फेस छोड़ के आप अगर चाहें तो बेबी के हाथ पे, गले पे, इस सब जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि दिस क्रीम प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ द वाइटल बायोलॉजिकली प्रोटेक्टिव एसिड मेंटल प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉक्शियस इन्फ्लुएंसेस इंडिकेटेड फॉर कॉन्टैक्ट शैफिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द नैपी एरिया। मतलब कि ये जो क्रीम है ये आप नैपी एरिया पे भी यूज़ कर सकते हैं, नैपी एरिया को भी ये क्रीम कुछ हार्म नहीं पहुंचाएगा। ये क्रीम नैपी रैश क्रीम नहीं है, ये बेबी क्रीम है। ये आप किसी भी एरिया में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है फॉर द फेस। ठीक है, ये जो क्रीम है ये कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप परचेज़ कर सकते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई एट्सेट्रा। कोई भी साइट से आपको ये क्रीम ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। और इसका जो लिंक है, बाइंग लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आप ख़रीद सकते हैं। और सिबामेट का प्रोडक्ट्स आप गाइस आप आंख बंद करके बेबीज़ के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स है और ये जर्मनी मेड है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स है। आप देख सकते हैं कि हर एक प्रोडक्ट का पीएच वैल्यू 5.5 है। पीएच वैल्यू कोई भी प्रोडक्ट का जब 5.5 होता है, इसका मतलब है कि वो स्किन के लिए बेस्ट है, बिल्कुल कोई भी हार्म नहीं पहुँचाएगा स्किन को। और बेबीज़ के लिए सिबामेड इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ये इसका MRP है 637 रुपीज़। ये 200 ml का आता है, आपको ऑनलाइन साइट पे कभी कभी ऑफ़र में थोड़ा कम में मिल जाएगा। गाइज, अब मैं बात करने वाली हूँ ये मिरेकल प्रोडक्ट का जिसका नाम है सिबामेड का प्रोटेक्टिव फेशियल क्रीम। ये सचमुच एक मिरेकल क्रीम है बेबीज़ के लिए। मतलब कि दोनों क्रीम में अगर मैं कंपेयर करूं तो ये नो डाउट बेस्ट है। इनफैक्ट सारे क्रीम्स में भी मार्केट में अगर मैं कुछ कंपैरिजन करूं तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब कि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये प्रोटेक्टिव फेशियल क्रीम, इसके नाम से ही आप समझ रहे हैं कि ये जो है ना, ये आपके बेबी के स्किन को ना एक फेशियल जैसा लुक देगा। इसका मतलब आप ये मत समझिए कि ये कोई फेशियल क्रीम है, जैसे बड़े फेशियल कराते हैं वैसे ही बच्चों का फेशियल क्रीम वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोटेक्टिव फेस क्रीम है, लेकिन इसका नाम प्रोटेक्टिव फेशियल क्रीम लिखा हुआ है। ये जो है ये बेबी की स्किन को प्रोटेक्ट करता है। बेबी का स्किन, बेबी जब बॉर्न होता है ना तो बेबी का स्किन बहुत ड्राई प्रोन होता है। ये ड्राइनेस से बचाता है बेबी की स्किन को। और ये क्रीम आप अप्लाई करते साथ ही समझ जाओगे कि ये क्रीम जो है ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ये तुरंत अब्सॉर्ब हो जाता है। मतलब इसे लगाने से आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी बेबी की स्किन जो है ना वो ग्लो कर रहा है। ये बेबी की स्किन को सॉफ्ट करता है, नरिश करता है एंड बिलीव मी गाइज, ये बेबी की स्किन को जो है थोड़ा ब्राइट भी कर देगा। नो डाउट आप इसे इस्तेमाल कीजिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप इसे 3 मंथ्स के बाद से इस्तेमाल कीजिए। मैं अपनी बेबी पे ये 3 मंथ्स के बाद से इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक और डब्बा है, आप देख सकते हैं, ये ख़त्म होने वाला है यूज़ करते करते, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है ये ऐसे आता है, ऐसे पुश करने से ये क्रीम निकलता है। ये पुश करिएगा आप तो ये क्रीम निकलेगा। और ये जो है ये 50 ml का एक डब्बा आता है, इसमें भी है, इसमें नया है, इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ।
मैंने ये नया वाला डब्बा को भी खोल लिया है और ये जो है ये बिल्कुल सील पैक है। यहाँ पे एक लॉक है, इस लॉक को खोलने से ऐसे ये पुश करने से ये निकलेगा और ये बहुत ही थोड़ा सा क्वांटिटी लगता है। आप देख सकते हैं मेरे पास दो है, आप समझ रहे हैं कि मैं ये मतलब डेली यूजेज में रखती हूँ। आप चाहे तो एक टाइम में ये इस्तेमाल कर सकते हैं और एक टाइम में ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने दिन में ये इस्तेमाल किया तो रात में ये, और अगर आप चाहे तो दोनों टाइम पे ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कोई एक क्रीम भी आप रख सकते हैं। बट अगर आप मेरा चॉइस मानेंगे और सुनेंगे तो आप इसे लीजिए, ये बहुत ही अच्छा है, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है, मतलब दिस इज़ लाजवाब। ठीक है, ये इसका प्राइस है, आप देख सकते हैं 851 इसका MRP है। और ये आप इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी बाइंग लिंक, और ये आपको थोड़ा डिस्काउंट पे मिल जाता है, जनरली डिस्काउंट पे मिलता है, अगर नहीं मिले तो आपका बैड लक है। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि क्लिंस द फेशियल स्किन थरली विद बेबी वॉश एक्स्ट्रा सॉफ्ट अप्लाई डेली टू द फेस मसाजिंग द क्रीम इन जेंटली। हाँ, तो हल्का हाथ से आप इसे लगा दीजिए, जस्ट एक ड्रॉप आप लीजिए, लाइक दिस आप एक ड्रॉप लीजिए और बेबी के स्किन पे चारों तरफ आप अच्छे से लगा दीजिए। ये क्रीम बहुत ही अच्छा है एंड आई होप दैट ये जो रिव्यू था दोनों प्रोडक्ट्स का, इसने आपको हेल्प किया। देखिए, हम जब पेरेंट्स बनते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बेबी पे कौन सा क्रीम यूज़ करें, कौन सा शैम्पू यूज़ करें, कौन सा ऑयल यूज़ करें। मैंने भी बहुत रिसर्च किया, बहुत सारे पेडियाट्रिशियन के पास मैं गई, बिकॉज आई वॉज़ वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट माई डॉटर्स स्किन। और मेरे पास तो मतलब आप समझ सकते हैं कि बेटी है तो बेटी का स्किन तो अच्छा होना ही ज़रूरी है, तो इस तरह से मैंने सोचा था, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर रिसर्च करते करते जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले इससे। देखिए, ये जो क्रीम है ये आप मतलब 5 ईयर्स तक के बच्चों को लगा सकते, और इसको तो आप 10 ईयर्स तक के बच्चों को लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 0 to 10 ईयर्स तक के बच्चे को आप ये लगा सकते हैं। जनरली सेबामेड का प्रोडक्ट्स मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और मतलब इसका मतलब कोई हार्म नहीं करता है स्किन पे, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है गाइस, बहुत अच्छा आता है। और ये दोनों क्रीम में अगर मैं किसी एक क्रीम को वोट करूँगी तो आप समझ सकते हैं कि मैं कौन से क्रीम को वोट करूँगी, नो डाउट मैं इसको वोट करूँगी, ये बहुत ही अच्छा है। आप चाहे तो दोनों रख सकते हैं, अगर आपके पास कोई बजट प्रॉब्लम नहीं है, और अगर थोड़े बजट कंसर्न है आप तो फॉर द टाइम बीइंग आप ये वाला लेके इस्तेमाल करके देख सकते हैं। डेली न्यू बॉर्न के लिए आप ये लीजिए, 3 मंथ्स के बाद आप ये लीजिए और ये इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ही अच्छा है, ये ड्राइनेस से बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है और इरिटेशन भी बिल्कुल नहीं होता बेबी के स्किन पे। मतलब कुछ बच्चे क्रीम लगाते साथ ही रोने लगते हैं, चिपचिपा फील होता है, वो सब कुछ भी नहीं होगा आपको, एंड आई एम श्योर दैट यू विल लव इट। अगर मेरी ये रिव्यू वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइज़। आई एम रियली वर्किंग हार्ड फॉर दिस चैनल एंड आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड प्लीज़ 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 इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपको बेबी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये दोनों क्रीम से रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, और एक बात ज़रूर कहना है मुझे कि ये दोनों क्रीम अगर आप परचेज़ करते हैं, अगर आप अपने बेबी पर अप्लाई करते हैं, इसका रिज़ल्ट कैसा आता है ये कॉमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि गाइस सबको पता चले कि ये क्रीम कैसा है वाकई में। और ये बिल्कुल भी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा इस्तेमाल किया हुआ है, इसीलिए आप लोग के हेल्प के लिए मैं ये वीडियो रिव्यू वीडियो आप लोग के पास लेके आई हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर।